नमस्कार, सुप्रभात। आज मैं आप लोगों के समक्ष एक एक्सपीरियंस रखूँगा जो दो तीन दिन पहले मैंने एक्सपीरियंस किया है। तीन दिन पहले की बात है, कुछ काम कर रहा था और उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लग गया। तकरीबन 9 बज गए और 9 बजे मैं घर पहुंचा और मुझे भूख बहुत तेज़ी से लगा हुआ था उस दिन। और आते ही घर में दाल बनी थी, चावल बने थे और सब्ज़ी पड़ी थी, तो इन तीन चीज़ों को मैंने खाया और दबा के खाया क्योंकि भूख बहुत लगी थी। खूब खाया एकदम मज़े से। अब आप सबको पता ही है कि मेरी डाइट डिफरेंट है, ये चीज़ें मैं नहीं खाता हूँ। चावल भी नहीं खाता, दाल भी नहीं खाता, सब्ज़ी खाता हूँ। रोटी अभी बनी नहीं थी क्योंकि जो हमारे बड़े भाई साहब वो थोड़ा लेट आते हैं और मैं तो रोटी खाता नहीं, तो इसलिए पहले रोटी बनी नहीं थी, लेकिन चावल बन चुका था तो मैंने रोटी तो नहीं, चावल खाया। अब इसमें दो चीज़ों का एक्सपीरियंस निकल के आता है सामने, एक चावल का और एक दाल का। सब्ज़ी तो मैं रोज़ खा रहा हूँ, सब्ज़ी जो कि इसमें मैंने क्या अनुभव किया कि जब चावल मैं खाता हूँ तो मुझे यूरिन ज़्यादा आता है बार बार। आप मान के चले कि मैं चावल खा के सो जाऊँ रात को तो कम से कम 4 बार सुसु करने जाना पड़ेगा, यूरिन जाना पड़ेगा 4 बार। और ये एक्सपीरियंस मेरा पहले से ही है, शुरू से ही है। मतलब कि अगर मैं बात करूँ, जब मैं बीमार पड़ा क्या, उससे आगे भी आ जाओ आप, फरवरी 2020 तक आ जाओ, फरवरी 2020 तक तो पहले मैं चावल खाता ही था। वहाँ से पहले मैं 4 बार यूरिन जाता ही जाता था रात में, लेकिन मैंने कभी इसको माइंड नहीं किया, मैंने कभी इसको प्रॉब्लम कंसीडर नहीं किया। हो सकता है मेरी जगह कोई और होता तो इसको प्रॉब्लम मान के इसका ट्रीटमेंट करने लग जाता, अरे यार मुझे यूरिन ज़्यादा आ रहा 4 बार। लेकिन मैंने कई बार मुझे लोग कहते थे, यार रात को बहुत बार उठते हो सुसु करने, मैं कल लगती है तो उठ जाते हैं, अब कल लेके बैठे थे पर इसको कभी भी प्रॉब्लम कंसिडर नहीं किया। आज ये बात समझ में आती है कि एक्चुअल में प्रॉब्लम मेरे शरीर में नहीं था, प्रॉब्लम चावल में है। क्योंकि जब जब मैं चावल खाता हूँ मुझे 4 बार यूरिन जाना पड़ता है। अदरवाइज आज की तारीख में मैं जब मिलेट्स खाता हूँ तो एक ही बार यूरिन जाना पड़ता है रात में। मान लो मैं 11 बजे सो गया, 10:30-11 बजे सो गया, तो बीच में एक ही बार उठूँगा और फिर उसके बाद सुबह, नहीं तो उससे पहले मैं 4 बार उठता था। और ये शुरू से रहा है मेरा कि मैं 4 बार यूरिन करने जाता ही था। तो ये एक बात तो तय हो गई कि चावल मेरे केस में, जब मैं चावल खाता हूँ तो मुझे ज़्यादा बार यूरिन जाना पड़ता है, दिन में भी ज़्यादा बार जाना पड़ेगा। दूसरा एक्सपीरियंस मेरा रहा है दालों के ऊपर। जब भी मैं दालें खाता हूँ, यहाँ चंडीगढ़ की दालें, यहाँ पे जनरली हम दो ही दालें खाते, एक मूंग मसूर की एक साथ बनती है और एक ब्लैक दाल, उनका एक्सपीरियंस ये रहा है कि वो एसिड बनाती ही बनाती है। अगर दालें खाएंगे तो एसिड बनाती ही बनाती है। इसी के अपोजिट अगर मैं घर की बात करूँ, गाँव की, वहाँ पे दालें हमारे स्वयं घर की होती, मूंग मसूर की तो नहीं होती, वहाँ पे अरहर की दाल खाई जाती है। यहाँ पे हम लोग उसका दाल नहीं खाते, अरहर की, जिसको तूर दाल बोलते हैं कई लोग, दैट इज़ ओके, उससे कोई समस्या नहीं है। क्योंकि मैं घर पे जब भी जाता हूँ तो वहाँ सारी चीज़ें खाता हूँ, जो कुछ भी वहाँ पे तो यही बनता है, दाल चावल रूढ़ी सब्ज़ी, वो सारी चीज़ें खाता हूँ मैं। वहाँ की दालें एसिड नहीं बनाती, लेकिन यहाँ की दालें, जो मूंग मसूर, आई डोंट नो ये मूंग मसूर कहाँ से आता है मुझे नहीं पता, लेकिन ये एसिड बनाती है, ब्लैक दाल भी एसिड बनाती है। सो दो चीज़ें ये एक्सपीरियंस जो है मैंने लिया है। और आज भी एसिडिटी कभी जाती नहीं अगर दालों को कम्प्लीटली बंद नहीं करता मैं। और हैरान करने वाली बात ये, और दालों का एक्सपीरियंस मतलब कि आपको 80-90% देखने को मिलेगा, इतने लोग मेरे साथ जुड़े हैं, इतने लोगों का एक्सपीरियंस है दालों के ऊपर कि एसिड बनाती ही बनाती है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इस केस में
डॉक्टर लोग को ये पता ही नहीं है ये बात। मतलब आप अगर एसिडिटी को झेल रहे हैं और आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर कभी भी आपको नहीं बोलेगा कि फला फला चीज़ से एसिडिटी बनती है, दूध से एसिड बनती है, दालों से बनती है, आपको ये नहीं बताया जाएगा, वो बताएंगे नहीं। एक्चुअल में उनको पता ही नहीं है। ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ इतने दावे के साथ, क्योंकि मैं प्रॉब्लम की तरह जिन डॉक्टर्स के पास विज़िट किया उनमें से मेरे कुछ बहुत ही अच्छे जानकार डॉक्टर्स थे और कुछ तो मुझे बेटे की तरह मानते हैं। एक डॉक्टर है जो मुझे बेटे की तरह मानते हैं, उन्होंने भी नहीं बताया। दैट मीन्स कि उनको पता ही नहीं है ये बात। और वैसे भी डॉक्टर लोग तो डाइट के बारे में बात करते ही नहीं हैं। तो इस हिसाब से मान लो आप एसिडिटी को झेल रहे हो और आप डॉक्टर्स का विजिट कर रहे हो तो आप गोलियां ही खा सकते हो आप उसको, क्योंकि वहां से आपको ये बताया ही नहीं जाएगा कि फला फला चीज़ में एसिडिटी है। अब जैसे ही मैं चावल का उदाहरण दिया तो कभी भी कोई भी डॉक्टर ये फाइंड आउट कर ही नहीं पाता मेरे केस में कि यूरिन ज़्यादा क्यों आ रहा। लेकिन आज मैंने खुद फाइंड आउट कर लिया, जब दो चीज़ों का डिफ्रेंशिएट, दो चीज़ें खा के देखा, मिलेट्स खा रहा हूँ तो नहीं हो रहा, चावल खा लो तो चार बार यूरिन। तो इस तरह से जो है आपको स्वयं इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, आपको खुद अपने भोजन को ऑब्जर्व करना पड़ेगा वन बाय वन करके कि वो भोजन आपकी बॉडी में कैसे बिहेव कर रहा है, बहुत ही सावधानी पूर्वक। और उस चीज़ को डाइट से निकाल दीजिए और सही चीज़ को ले आ दीजिए। अब ये तो आपको पता ही है कि आपको नेचुरल फूड ही खाना है, प्राकृतिक भोजन ही सही है, अननेचुरल फूड प्रोसेस्ड फूड नहीं खाना है, वो हमारा भोजन नहीं है। ब्रेड बिस्किट नमकीन कुरकुरे ये सब हमारा भोजन नहीं है, इसको तो खाना ही नहीं, ये तो क्लियर है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। आगे फर्दर जो चीज़ें जैसे कि दालें होगी, चावल हो गया, इन सब में भी आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपकी बॉडी को। और मैं तो आपको यही रिकमेंड करूँगा कि आप इनको छोड़ के, दाल चावल रोटी को छोड़ के आप मिलेट्स अपना लीजिए। मिलेट्स सबसे बेस्ट है, सर्वोत्तम है, अच्छी मात्रा में फाइबर है, पेट भी साफ कर देता है, सब कुछ बेस्ट है। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो से मैं आपको कुछ मोटिवेट कर पाया हूँ, कुछ सिखा पाया हूँ। सो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं।